तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पहला क्लास। ठीक है, पहला क्लास में क्या होगा? सेक पेपर एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, और आज के बाद सभी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज धीरे धीरे करके। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेमेस्टर थ्री के पहले कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद सेमेस्टर वन का। ठीक है, और सेमेस्टर टू का। चलिए, तो जहां जहां आपका एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जैसे आपका रांची यूनिवर्सिटी में है, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में है, और जहां पर भी है सेक थ्री में एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उन सभी यूनिवर्सिटीज में काम देगा। ठीक है, बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपने अभी तक गेस्ट पेपर वगैरह नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिएगा। और ये एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पेपर है। ये पेपर जो है आपका अभी तक मारवाड़ी कॉलेज में पूछा गया है, और वहां पे पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में आया था। ठीक है, और पेपर आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा। किस में आएगा? ऑब्जेक्टिव में आएगा। एक मिनट, इसको साइड कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से सुनाई दे, कीबोर्ड को हटा दिया है। ठीक है, तो ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, 75 को क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 1 मार्क्स वाले, और इसका आंसर आपको OMR पेपर में देना होगा। चलिए देखते हैं। तो इसको यूनिट वाइज बांटा गया है। पहला यूनिट आज हम लोग करेंगे, और यूनिट वन में है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ, अरे यार बैटरी है ना जी, हाँ है, चलिए इसको काट देते हैं। तो पहला हमारा आज चैप्टर है चैप्टर वन, इसका नाम क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के बुनियादी ढांचा को जानना है, बुनियादी कॉन्सेप्ट को जानना है। ठीक है, आधारभूत इकाइयों के बारे में जानना है। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर तो इसका फुल फॉर्म बताएंगे यार, सब जानते ही होंगे, कॉमन ओरिएंटेड। ठीक है, सॉरी मैं कोबल का बोलने लगा, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, जब भी बात होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? संगणक। ठीक है, और पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर, हिंदी में है कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, हिंदी में संगणक क्या है या फिर कंप्यूटर क्या है? तो सबको बचपन से याद करते हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसकी कोई अपनी बुद्धि नहीं होती है। तो देखिए, ऑप्शन ए है, एक मशीन जो डेटा को प्रोसेस करती है और दिशा निर्देशों को अनुसार कार्य करती है, दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती है। दूसरा, फोटो खींचने की एक उपकरण, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अगर आपको नहीं भी मालूम है फिर भी आप याद कर लीजिएगा इससे। तापमान मापने का उपकरण, इसको तो थर्मामीटर बोलते हैं। फोटो खींचने की मशीन, उसको तो कैमरा बोलते हैं। भोजन पकाने का एक उपकरण, तो ये भी होगा नहीं, इसको कुकर बोलते हैं ना, कुकर है ना बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, सीटी मारता है कुकर। तो ये हमारा ऑप्शन है, सही हो जाएगा। एक मशीन है जो कि डेटा को प्रोसेस करती है, या फिर केवल ये भी लिखा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो लोग इंग्लिश को पढ़िएगा। अ मशीन दैट प्रोसेस डाटा एंड परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड देते हैं, वही कंप्यूटर काम करेगा, अपने से कोई कंप्यूटर काम नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ना, हाँ, और फुल स्क्रीन कर देते हैं F11। चलिए, शॉर्टकट की याद है कंप्यूटर का? नहीं याद है, चलिए उसका मैं डाल दिया हूँ और एक क्लास डिटेल में करवा दूंगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का अनुप्रयोग नहीं है। ठीक है, देखिए कौन सा कंप्यूटर का एक प्रयोग नहीं है? तो वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग इसका काम होता है जी, बिल्कुल, तब ना हम लोग वर्ड का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका वीडियो गेम खेलना, हाँ ये भी हम लोग कर सकते हैं कंप्यूटर में। कपड़े धोना, ये नहीं, कपड़े धोना वॉशिंग मशीन का काम होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, और खास करके दिवाली में ज्यादा ना। आगे देखते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रकार है। ठीक है, लैपटॉप, हाँ लैपटॉप सही, मैं अभी आप लोग का क्लास ले रहा हूँ, लैपटॉप एक प्रकार का कंप्यूटर है। स्मार्टफोन कंप्यूटर है? नहीं, स्मार्टफोन कंप्यूटर नहीं है। एक मिनट, मैन फ्रेम कंप्यूटर है, हाँ ये भी कंप्यूटर है, लेकिन ऑप्शन डी हमारा उपरोक्त में सभी। ठीक है, कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार है? तो ये सभी प्रकार नहीं, यहाँ पे ये स्मार्टफोन कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर आपका ऐसा ऑप्शन आता है कि चार में से सभी लिखा रहा है, ऑल ऑफ दिस, तब तो आपको यही मानना है
ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ दूसरा आ जाए, और जैसे यहाँ पे आ जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर, तब आप मारते हैं स्मार्टफोन एक कंप्यूटर नहीं है, और अगर तीनों आ जाता है तो आपको मारना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कंप्यूटर के बहुत सारे प्रकार हैं। लैपटॉप दे देगा, सुपर कंप्यूटर दे देगा, मेन फ्रेम दे देगा, माइक्रो दे देगा, हाइब्रिड दे देगा, ये सभी कंप्यूटर के प्रकार हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो अगर आपके पास कॉपी पेन है तो एक्स्ट्रा चीजों को आप नोट करते चलिएगा। क्यू नंबर हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य घटक क्या होते हैं। देखिए जब भी हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं तो कंप्यूटर का मेन चीज होता है उसका हार्डवेयर, यानी कि जैसे कीबोर्ड हो गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर में जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर डलवाते हैं, और हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, साथ में डेटा होता है, मतलब डायरेक्टली बोलते हैं तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सीपीयू, ये तीन चीज कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। ठीक है, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देखिए इसी में है, और डाटा एंड यूजर, और इसमें क्या है कीबोर्ड माउस मॉनिटर प्रिंटर ऐसा नहीं होता है, सीपीयू रैम हार्ड डिस्क एंड मदरबोर्ड, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इसके साथ अगर सीपीयू देता तो ये भी हमारा आंसर होता, या फिर केवल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दे तो वो भी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो नोट कीजिएगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड सीपीयू इसका मेन घटक होता है। हालांकि यहाँ पे सीपीयू नहीं दिया गया है तो आप लोग नोट कर सकते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड सीपीयू। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सीपीयू रैम डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर सीपीयू रैम से केवल काम हो जाता, ठीक है, एंड मदरबोर्ड से, तो फिर हम लोग हार्डवेयर का यूज नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा कंप्यूटर। ठीक है, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और सीपीयू तीनों चाहिए, तो यहाँ पे हमें राइट आंसर देखा जाए तो यही होगा। ठीक है, हालांकि सीपीयू भी होना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज द, तो कंप्यूटर का जो दिमाग होता है ना उसको सीपीयू को बोलते हैं, सबको जानते हैं सीपीयू, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ALU यह गणित का काम करता है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, यानी कि यह गणित, एरिथमेटिक मतलब होता है गणित, ठीक है, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है ALU का फुल फॉर्म, यह गणित का काम करता है। मेमोरी हमारा स्टोरेज का काम करती है। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ठीक है, दिमाग होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और कंट्रोल यूनिट सभी कंप्यूटर के जितना भी भाग को कंट्रोल करता है यही कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, और सीपीयू में ही ये तीनों चीज पाया जाता है, जो ALU है, मेमोरी है और कंट्रोल यूनिट है, इन तीनों को मिलाकर ही सीपीयू बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर, ठीक है, यानी कि सीपीयू का क्या अर्थ होता है, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। बस देखिए कहाँ पे है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हिंदी में बोलते हैं केंद्र प्रसंस्करण तंत्र, यहाँ पे हिंदी नहीं लिखा गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिख दिया गया है, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है केंद्रीय प्रसंस्करण तंत्र। ठीक है, ऐसा हिंदी होता है इसका। चलिए एक मिनट, चलिए आगड़ा होते रहता है गांव घर में ना। क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो देखिए डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, बिल्कुल होता है, टैबलेट भी होता है कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर भी होता है, लेकिन माइक्रोवेव जो होता है यह कंप्यूटर नहीं होता है। ठीक है, तो माइक्रोवेव कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है, ऑप्शन डी। ठीक है, सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर, वहीं पूछ लेंगे सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है, तो सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा विच कंप्यूटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में निर्देशों को निष्पादित करने के लिए कौन सा घटक जिम्मेदार है, यानी कि कंप्यूटर में कोई भी काम होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, यानी कि डायरेक्शन देने का काम कौन करता है, निर्देश यानी कि डायरेक्शन। ठीक है, तो कौन डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन देगा सीपीयू, क्योंकि यही दिमाग होता है और हमारा दिमाग ही हमको डायरेक्शन देता है। ठीक है, अभी आपको डायरेक्शन दे रहा है कि अरे यार लिख लो ना, लेकिन आपका दिमाग अरे को बोल रहा है अरे यार इसने पार हो जाते तो ठीक है, लिखने का क्या जरूरत है, बाद में लिख लेंगे, और इसी चक्कर में फिर दिमाग हैंग कर जाएगा, ठीक है, जब एग्जाम सामने आएगा। इसलिए दिमाग और मन में अंतर समझिएगा, दिमाग हमेशा सही बोलेगा लेकिन मन गलत भी बोल सकता है। ठीक है, मन ही आदमी को भटकाता है। चलिए
अगला हमारा व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, तो देखिए सॉफ्टवेयर जो है ना एक प्रकार का एप्लीकेशन है। तो कहाँ पे लिखा है कि फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, नहीं फिजिकल तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते हैं, और फिजिकल मतलब होता है जिसको छू सकते हैं उसी को हम लोग फिजिकल बोलते हैं, भौतिक मतलब जिसको छू सकते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते हैं। और टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, नहीं और टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम लोग डाटा स्टोर करते हैं वो हो जाएगा चिप, और टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस मतलब चिप, तो ये चिप भी नहीं है। प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन दैट रन अ कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में जो चलने वाले प्रोग्राम होते हैं उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड आउटपुट डिवाइस, ये भी नहीं होगा। आउटपुट डिवाइस अगर बोला जाए तो प्रिंटर हो गया, ठीक है, आपका और भी हो जाता है जैसे प्रिंटर, स्पीकर, ये सभी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर क्या है, तो यह एक प्रकार का प्रोग्राम है और एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर को चलाने का काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है ना, तो आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, समझने में आपको आसानी होगा। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर, मॉनिटर देखिए जो हम लोग कंप्यूटर का मेन होता है डिस्प्ले जिसमें देखते हैं, तो ये आपका एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, क्योंकि मॉनिटर को छूने से काम नहीं करता है, टच स्क्रीन थोड़ी है, तो ये इनपुट डिवाइस नहीं आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इससे डाटा बाहर आता है, प्रिंट होता है डाटा बाहर आता है, यानी कि आउट होता है तो आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड, जब हम लोग कीबोर्ड में बटन डालते हैं तो वो आपका कंप्यूटर के अंदर जाता है, तो ये हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस। ठीक है, कीबोर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम है, कुंजी पटल। चलिए, और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 से 104 को बटन रहता है, हालांकि किसी में 108 को बटन रहेगा, किसी में 100 से भी कम बटन रहता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड लेवल का कीबोर्ड रहता है ना, ठीक है, उसमें 101 से 104 को बटन रहते हैं। ठीक है, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इससे भी आवाज जो है बाहर जाता है, जहां से आउट होगा वो आउटपुट, जहां से इन होगा वो इनपुट। कीबोर्ड से जब हम लोग डालते हैं तो इन होता है, ठीक है, अंदर जाता है, तो ये इनपुट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सीपीयू। ठीक है, यानी कि सीपीयू जो होता है इसका मेन काम क्या होता है, सिंपल सा बात, सीपीयू का मेन काम क्या होता है। तो देखिए सीपीयू का जो हमारा मेन काम होता है वह होता है प्रोसेस करना। देखिए कहाँ पे लिखा है, तो डिस्प्ले इमेज, नहीं डिस्प्ले इमेज को दिखाने का काम कौन करता है, चित्र को दिखाने का डिस्प्ले को, तो मॉनिटर करता है, तो ये तो होगा नहीं। स्टोर डाटा, डाटा स्टोर करने का काम कौन करता है, चिप करता है, चिप, ठीक है, तो ये भी होगा नहीं। मेमोरी करता है, ये मेमोरी नहीं है। अगला है प्रोसेस ऑफ डाटा, हाँ, तो जब भी पाता है प्रोसेस का, प्रोसेस करने का काम कौन करता है, सीपीयू करता है, तो इसी को आंख बंद के मार दीजिए, बाकी जो लिखा है सीपीयू मतलब प्रोसेस करने का काम करता है बस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, टू प्रोसेस डेटा एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो हम लोग डेटा देते हैं वो इसको कंप्यूटर तक पहुंचाता है और प्रोसेस करने का काम करता है, आगे प्रोसेस करता है। ठीक है, और प्रिंट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने का काम तो प्रिंटर का है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज नोन फॉर इट्स लार्ज साइज एंड हाई प्रोसेसिंग पावर। तो अभी मैंने बताया कि सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है, तो सुपर कंप्यूटर। ठीक है, एक मिनट इसको देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा नहीं हो रहा यार, नहीं तो फिर कभी कभी क्या होता है कि रिकॉर्डिंग नहीं होता है, मैं बोलते हूँ आधा घंटा से। चलिए हो रहा है, तो क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज नोन फॉर इट्स लार्ज साइज एंड हाई प्रोसेसिंग पावर, यानी कि किस प्रकार के कंप्यूटर में बहुत बड़ा होता है, ठीक है, साइज बहुत बड़ा होता है और उसमें जो है बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा स्टोर रहता है, तो उसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। लेकिन अगर आपको सुपर कंप्यूटर ना दे तो सुपर कंप्यूटर के बाद आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, दूसरे नंबर पे। तो देखिए अगर सुपर कंप्यूटर ऑप्शन में ना रहे, अगर सुपर कंप्यूटर ऑप्शन में रहेगा तो सुपर मारना है, अगर सुपर कंप्यूटर ना रहे ऑप्शन में तो आपको मेन फ्रेम मारना है। ठीक है, क्या मेन फ्रेम, कौन सा फ्रेम, मेन वाला फ्रेम, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोट करते चलिएगा, लिखना पड़ेगा, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। अगला है राम का स्टैंड फॉर, राम का फुल फॉर्म क्या है, राम नहीं रैम है इसका। ठीक है, चलिए याद करने के लिए सबको हम लोग शुरू में राम है बोलते थे, राम ना, रैम,
रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सबको जानते होंगे। कहाँ पे है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे अगर आपको रॉम को पूछता तो रीड ओनली मेमोरी होता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे कि डेटा को अस्थाई रूप से संग्रहित करने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में है कि विच कॉम्पोनेंट इज यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली, ठीक है। अगर आपको डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है, ठीक है, अस्थाई रूप से, तो आप किसका यूज कीजिएगा, हार्ड डिस्क का, ठीक है। ये हार्ड डिस्क जो है सीपीयू मतलब कंप्यूटर में लगाया जाता है, सीपीयू में, ठीक है। तो हार्ड डिस्क एक प्रकार का चिप होता है जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखता है। हार्ड डिस्क देखें वो कैसेट जैसा रहेगा जी, ठीक है। तो ये आपका हार्ड डिस्क होता है जहां पे डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन है द कंट्रोल यूनिट इज पार्ट ऑफ द, ठीक है। जो कंट्रोल यूनिट होता है वो किसका पार्ट है, तो देखिए सीपीयू का भाग है कंट्रोल यूनिट, सीपीयू का, ठीक है। एएलयू भी सीपीयू का ही भाग है, ठीक है। मतलब सीपीयू जो है पूरा का पूरा बाप है और इसी से सब जन्मा है, यानी कि एएलयू भी जन्मा है, मेमोरी भी जन्मा है, ठीक है, और कंट्रोल यूनिट जन्मा है। तीन वो सीपीयू का तीन वो बेटा है, कौन कौन, अच्छा बेटी है मान लीजिए, जो मानना है मानिए, सीपीयू का तीन को बेटा है या तीन को बेटी है, एएलयू है, ठीक है, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। उसके बाद मेमोरी एगो बेटा हो गया, दूसरा बेटा कौन है, मेमोरी, और तीसरा बेटा है कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू के कई को बेटा है, तीन को, एएलयू, मेमोरी और कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट किसका भाग है, सीपीयू का भाग है, ठीक है, बस ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अब बोलिएगा सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कितना प्रकार का होता है, तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि ऐप, जो हम लोग ऐप यूज करते हैं ना प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, वो हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एक होता है जो कंप्यूटर के पहले से सिस्टम में लगा होता है, उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए जैसे कंप्यूटर में हम लोग का विंडो पहले से सेट होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं, जिसमें एमएस वर्ड हो गया, नाम सुना होंगे आपने, ठीक है, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट, नाम सुना है ना, बस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो वही है। ओएस मतलब ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओ से ऑपरेटिंग, एस से सिस्टम, ठीक है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका पहले से सिस्टम में फिट होता है, इसको बोलते हैं आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। मोजिला फायरफॉक्स ये क्या है, तो ये एक ऐप है, इसको बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो मोजिला फायरफॉक्स को तो हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं कहाँ से, प्ले स्टोर से, तो ये आपका ऐप हो गया, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ए पी, ठीक है, ए डबल पी होता है। तो ऐप का फुल फॉर्म ये होता है, ए से एप्लीकेशन, पी से, सॉरी, ए से एप्लीकेशन, और सॉरी यार, पूरा ऐप पी का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन, और फिर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यस, हिडन रहता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एएलयू का फुल फॉर्म पूछा गया है, अभी मैंने बहुत बार बताया, ए यानी कि एरिथमेटिक मतलब गणित का काम करने वाला। तो देखिए कहाँ पे गणित का काम करने वाला है, ऑप्शन ए, अंक गणितीय तर्क इकाई, एरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, किसका बेटा है, एएलयू, सीपीयू का बेटा है, ठीक है। अगला है हमारा कि व्हाट इज एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। देखिए आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन कौन सा है, तो देख लेते हैं यहाँ पे, एक उपकरण जो कंप्यूटर से डेटा प्रदर्शित या आउटपुट करता है, हाँ, जो डेटा को दिखाता है, यानी कि हमारा मॉनिटर, वो एक आउटपुट डिवाइस है, और आउटपुट करता है यानी कि जैसे आवाज को बाहर निकालता है, यानी कि आवाज को कौन बाहर निकालता है, स्पीकर, कोई प्रिंट पेज को बाहर निकाल देता है यानी कि प्रिंटर, वो भी आउटपुट है। तो ये वो जो परिभाषा दिया गया है ये सही परिभाषा है, ठीक है। एक उपकरण जो कंप्यूटर में डेटा इनपुट करता है, तो इसको तो इनपुट डिवाइस बोलेंगे, तो ये नहीं होगा, ठीक है। एक उपकरण जो डेटा को संसाधित करता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। एक उपकरण जो डेटा को संग्रहित करता है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि संग्रहित कौन करता है, स्टोर कौन करता है, स्टोर चिप करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जो डेटा को बाहर निकलता है, आउट करता है यानी कि आउटपुट, इन करता है मतलब इनपुट, ठीक है। आगे देखते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है
कितना है जी? और बस यही एक पेज है, उसके बाद हमारा दूसरा यूनिट शुरू होगा जो कि कल करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा फास्ट करके हैं, काफी लंबा हो जाएगा नहीं तो। और इसे भी कहाँ जाना है ना, कौन सा मंगल ग्रह जाना है, आराम से पढ़ते हैं, पढ़ाई में जल्दीबाजी नहीं करने का है। कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, ये हो गया। आगे देखते हैं, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर छोटा और पोर्टेबल है? विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज स्मॉल एंड पोर्टेबल, ठीक है? तो कौन सा कंप्यूटर छोटा और पोर्टेबल है? सबसे छोटा जो कंप्यूटर होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लैपटॉप, जिसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सजेशन दूंगा वीडियो के एंड में। चलिए, द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर आर कलेक्टिवली नॉन एज, यानी कि कंप्यूटर का जो भौतिक भाग होता है जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बस, तो जिसको हम लोग छू और देख सकते हैं उसको बोलते हैं हार्डवेयर, और जिसको छू और देख नहीं सकते उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, भौतिक भाग जिसको छू और देख सकते हैं वो हो जाएगा हार्डवेयर। जैसे हमारा हो गया कीबोर्ड, छू सकते हैं हार्डवेयर है, मॉनिटर छू सकते हैं हार्डवेयर है, प्रिंटर छू सकते हैं हार्डवेयर है, ठीक है? सॉफ्टवेयर छू सकते हैं? नहीं। देख सकते हैं? नहीं। देखा आपने सॉफ्टवेयर कैसा होता है? नहीं, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर को देखा भी नहीं जा सकता है, छुआ भी नहीं जा सकता है, तो ये आपका एक सॉफ्टवेयर हो जाएगा उसमें। और इसमें क्या हो जाएगा, जिसको छू और देख सकते हैं यानी कि भौतिक भाग है, इसको बोलेंगे हार्डवेयर, ठीक है? हार्डवेयर का उदाहरण कौन कौन सा है, बहुत सारा मैंने अभी आपको बताया। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रैम एंड हार्ड डिस्क, यानी कि हार्ड डिस्क और रैम में क्या अंतर होता है? देखिए, ये जो हार्ड डिस्क है ना, ये परमानेंटली स्टोर करता है, यानी कि अस्थाई है, और ये आपका अस्थाई है। रैम जो है अस्थाई है, यानी कि ये परमानेंट नहीं है, लेकिन हार्ड डिस्क आपका परमानेंट है, ठीक है? तो अब देखिए, खोजिए कहाँ पे है लिखा हुआ। चलिए, बैटरी थोड़ा सा कम है, तो ये आपका हार्ड डिस्क परमानेंट है जबकि रैम परमानेंट नहीं है। तो क्या बोला गया है यहाँ पे ऑप्शन बी में, देखिए कि रैम का उपयोग अस्थाई भंडार के लिए किया जाता है जबकि हार्ड डिस्क का उपयोग अस्थाई भंडार के लिए किया जाता है, ठीक है? रैम क्या है आपका, टेम्पोरारी है यार, कुछ टाइम के लिए रख लेते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि अस्थाई है यार, इसको हम लोग रखा यहाँ पे बस, परमानेंटली तो मेरा गाँव ही है, ठीक है? तो बस हार्ड डिस्क जो है आपका परमानेंट है और रैम परमानेंट नहीं है, ठीक है? आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर कंप्यूटर, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है विशेषता, ठीक है? इनमें से कौन सी विशेषता सुपर कंप्यूटर की नहीं है? देखिए, सुपर कंप्यूटर की विशेषता कौन सा नहीं है? तो पहला है अत्यंत उच्च प्रसंस्करण गति, यानी कि बहुत हाई प्रोसेस होता है इसमें, बिल्कुल बहुत हाई लेवल का स्पीड होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। लार्ज मेमोरी कैपेसिटी, हाँ बहुत ज्यादा मात्रा में मेमोरी होता है, हाँ ये भी सही है। यूज फॉर कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन, ठीक है? तो सिमुलेशन जो यूज करता है, सिमुलेशन ये बहुत हाई लेवल का यूज करता है, मतलब इसमें गणित का बहुत हाई लेवल का कैलकुलेशन, बहुत हाई लेवल का इसमें मेजर किया जाता है, ये भी सही बात है। डी नंबर क्या है कि पोर्टेबल एंड क्या बोला गया है, पोर्टेबल एंड लाइट वेट, नहीं यार मतलब क्या बोला गया है कि पोर्टेबल, जिसको हम लोग मोड़ सकते हैं, सुपर कंप्यूटर को मोड़ सकते हैं लैपटॉप जैसा, ना 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 ना। और इसका क्या बोला गया है कि लाइट वेट मतलब हल्का है, ना अरे भाई सुपर कंप्यूटर कितना बड़ा होता है मालूम है? देखें आपने फ्रंटियर का देख लीजिएगा, सर्च मार के गूगल में, फ्रंटियर कंप्यूटर बहुत अभी सबसे तेज कंप्यूटर है, ठीक है, अमेरिका का है। जितना भी सुपर कंप्यूटर है, जैसे परम नाम सुना होगा, परम 10,000, ठीक है, ये सभी आपका फ्रंटियर हो गया, फुगाकू हो गया, ये सभी एक वो सुपर कंप्यूटर, एक वो पूरा का पूरा रूम, जो रूम होता है ना हम लोग का 8x10 का कमरा, उतना बड़ा बड़ा एक वो कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। क्या लगता है, उठा के ले जाइएगा, है चोरी कर दीजिएगा। चलिए, और एक वो सुपर कंप्यूटर का दाम कितना होगा मालूम है, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, किसी तरह दाम होता है एक सुपर कंप्यूटर का। चलिए, अगला है हमारा, द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ सर्वर इज टू, ठीक है, यानी कि सर्वर का सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है, ठीक है? तो सबसे जो सर्वर होता है उसका सबसे मेन उद्देश्य होता है नेटवर्क प्रोवाइड कराना, ठीक है? तो देखिए कहाँ पे लिखा है, व्यक्तिगत फाइल संग्रहित करना, नहीं, सेवाएं प्रदान करना और नेटवर्क संसाधनों का प्रबंधन करना। तो देखिए, जो सर्वर होता है ना, हम लोग बोलते हैं नेटवर्क नहीं पकड़ रहा यार,
तो बस यही रखना है याद आपको। सर्वर मतलब नेटवर्क, ठीक है। सर्वर का मेन काम क्या होता है, नेटवर्क देना, ठीक है, नेटवर्क संसाधनों का मैनेजमेंट करना, यानी कि आपका प्रबंधन करना, ठीक है। तो बस याद रखिएगा, सर्वर मतलब नेटवर्क। अगला हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एक ऐप का उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब ऐप, ठीक है। अब बताइए कौन सा ऐप है। देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, लिनक्स है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो ये होगा नहीं। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, बी से बेसिक, आई से इनपुट, ओ से ऑपरेटिंग, ऐसा सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कि आपका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है मतलब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। एमएस एक्सेल जो है आपका, और डिवाइस ड्राइवर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यार, देखा जाए ना तो एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी आपका एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसा ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ही मारेंगे, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर ये भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया जाता तो सही एग्जाम्पल मैं बताता हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, वो हो जाता है व्हाट्सएप, ठीक है। व्हाट्सएप आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सेंडर, सेंडर जो होता है जिसमें हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इंस्टाग्राम, ये जितना भी ऐप होता है, ठीक है, ये सारे ऐप आपका, हॉटस्टार का ऐप, ठीक है, जितना भी ऐप सब आता है, ठीक है, प्ले स्टोर में जितना भी ऐप होता है वो सभी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ कुछ गलतियां हैं जिसको मैं सुधार करते जा रहा हूँ, ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एएलयू इन द सीपीयू, ठीक है, यानी कि सीपीयू के अंदर तीन को बेटा रहता है सीपीयू का, एएलयू एगो हो गया, एगो कौन होता है मेमोरी, और एगो होता है कौन कंट्रोल यूनिट। तो पूछ रहा है कि एएलयू क्या काम करता है, इसका जो सीपीयू का एक बेटा है एएलयू, वो क्या काम करता है, सीपीयू में एएलयू का क्या काम होता है, तो मैथ का काम करता है, ठीक है ना, गणितज्ञ है बाबा, यानी कि एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है, यानी कि ये मैथ का काम करता है। तो देखिए कहाँ पे लिखा है, मैथ वाला ये वाला, अंक गणित तार्किक संचालन का काम करता है एएलयू, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, वहीं पे अगर पूछ लेता कि मेमोरी का क्या काम करता है, तो मेमोरी डेटा को स्टोर करने का काम करता है, और वहीं पूछ लेता कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, तो वो कंट्रोल यूनिट नाम से ही पता चलता है कि सबको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, और जब तीनों मिल जाता है ना, कि यानी कि डेटा को भी कंट्रोल करना है, डेटा भी स्टोर करना है, कंट्रोल करना है, और गणित का भी काम करेंगे, तो इन तीनों के मिलने से बनता है सीपीयू, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, यानी कि देखिए कुछ डिवाइस होते हैं जो इनपुट होते हैं, कुछ होते हैं आउटपुट, और कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि इनपुट भी होते हैं यानी कि आउटपुट भी होते हैं, मतलब समझते हैं, जैसे ट्रेन में जाते हैं ना तो हम लोग बोलता है ना कि चलो 20 रुपये निकालो, ठीक है। तो इस बार मैं आ रहा था, साथ में मेरे एक फ्रेंड भी थी, तो हम बोले फर्स्ट टाइम वो देखी, तो बोले ये कौन है, तो वही है, ठीक है, 6, तो दे दिए पैसा 20 रुपया। चलिए तो यहाँ पे हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी बोथ इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि जो इनपुट और आउटपुट दोनों है, वही समझ रहे हैं ना, तो कौन है इनपुट और आउटपुट दोनों, तो ये है आपका टच स्क्रीन, यानी कि टच स्क्रीन जो है जिससे हम लोग मोबाइल का टच करते हैं, जब हम लोग टच कर रहे हैं तो वो हो गया इनपुट, और जब देख रहे हैं तो वो हो गया आउटपुट, समझ रहे हैं, दोनों काम होता है। चलिए तो ये हो गया हमारा टच स्क्रीन। इसके साथ ही अगर दूसरा एग्जांपल पूछा जाए तो आपका जो है मॉडेम एक होता है, मॉडेम, वो भी आपका इनपुट आउटपुट दोनों है, ठीक है। बोलिएगा सीपीयू क्या है, इनपुट है या आउटपुट, तो देखिए सीपीयू क्या है आपका, बताइएगा कमेंट में ही। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका, और कमेंट में बताइएगा, देखते हैं क्या कौन सही करते हैं। रोम स्टैंड फॉर, रोम का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इजी होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, कहाँ पे है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी ऑप्शन बी, ठीक है, केवल और केवल ये मेमोरी को रीड करेगा, दूसरा किसी को नहीं रीड करेगा। अगला है हमारा कि व्हाट इज द रोल ऑफ द मदरबोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर जो सिस्टम होता है उसके मदरबोर्ड की क्या काम होता है, ठीक है। तो देखिए जो मदरबोर्ड होता है यानी कि सबसे मेन भाग, ठीक है, एक तरह से, तो ये क्या करता है मदरबोर्ड, तो ये जो है मतलब अलग अलग पार्ट्स को जो है ना जोड़ने का काम करता है, ठीक है, और सर्किट बनाता है जाने के लिए डेटा को फ्लो करने के लिए। तो देखिए डेटा को अस्थाई रूप से संग्रहित करता है, नहीं, ये तो आपका मेमोरी का काम है। चित्र को प्रदर्शित करता है, नहीं, ये तो किसका काम है, डिस्प्ले का काम है।
विभिन्न घटकों के बीच संपर्क करता है। हाँ, ये क्या काम करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है। मदरबोर्ड क्या काम करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा विभिन्न घटकों को जोड़ने का काम करता है और संचार स्थापित करता है। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंस कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो क्या करता है, अलग अलग कंपोनेंट्स को जोड़ने का काम करता है। मदरबोर्ड अगर उठ जाता है ना मोबाइल का, तो सोच लीजिए कि आपका 1500 रुपया चला गया, और लैपटॉप का मदरबोर्ड उड़ा, तब तो अरे भाई बहुत खर्चा, मतलब बहुत खर्चा है। ठीक है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज टू स्टोर द बायोस। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि बायोस को स्टोर करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी उपयोग करता है। बायोस का फुल फॉर्म मालूम है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, लिख लीजिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस का फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बायोस को संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, बायोस में जो है ना रोम रहता है, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैम आपका कैसा मेमोरी है, अस्थाई। ठीक है, टेम्पोररी कॉरेस्पोंडेंस जिसको बोलते हैं, ये रैम अस्थाई है। उसके बाद हार्ड डिस्क अस्थाई मेमोरी है, रोम अस्थाई मेमोरी है। ठीक है, कैश मेमोरी कैसा है, तो कैश मेमोरी भी आपका एक अस्थाई मेमोरी है, और ये बहुत फास्ट मेमोरी है। कैश जो है ना बहुत फास्ट काम करेगा, बहुत फास्ट। ठीक है, सबसे महंगा मेमोरी भी कैश है। चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा बायोस में कौन सा रहता है, तो बायोस में रोम रहता है। दूसरा हमारा है आपका, इसको कल करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट जानेंगे, हार्डवेयर किसे कहते हैं, तो हार्डवेयर सिंपल जानिए कि जिसको हम लोग छू सकते हैं और देख सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, जिसको छू और देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। तो हमारा दो क्वेश्चन है, कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट यानी कि जो डेटा को अंदर लेके जाएगा, ठीक है, इन करेगा। आउटपुट यानी कि जो डेटा को आउट करेगा। ठीक है, तो मॉनिटर क्या करता है, डेटा को तो हमको दिखाता है, यानी कि वो बाहर करने का काम करता है, तो ये आउटपुट होगा। प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट करके बाहर फेंक देता है, तो ये भी आउटपुट हो गया। माउस क्या करता है, जैसे हम माउस में यहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर में जा रहा है, जैसे हिला रहे हैं माउस को, तो ये हिल रहा है, कर्सर हिल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अंदर लेके जा रहा है इन्फॉर्मेशन को। तो बोल रहा है अरे कोई आदमी है जो इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा है। ठीक है, तो ये लीक कर रहा है इनपुट। ठीक है, तो ये है आपका माउस इनपुट। स्पीकर क्या करता है, साउंड को बाहर करता है, तो ये भी आपका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तीनों आउटपुट है, एगो इनपुट है माउस। कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अगला है, और माउस का हिंदी में क्या बोलते हैं, मूसा, चूहा, सॉरी खोटा में मूसा बोलते हैं ना, मूसक। अच्छा, लेकिन शुद्ध हिंदी होता है मूसक। अगला है, विच डिवाइस इज यूज टू डिस्प्ले विजुअल आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के दृश्य से आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ये आप हिंदी आसान से समझिए कि कौन से डिवाइस का उपयोग चित्र को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जितना भी चीज छपता है उसको देखने के लिए किसका यूज करते हैं, तो डिस्प्ले का यूज करते हैं। डिस्प्ले को क्या बोलते हैं कंप्यूटर में, मॉनिटर बोला जाता है। ठीक है, इसका हम लोग कल से आंसर करेंगे। हाँ, एक चीज बोल रहे थे कि भाई लोग या सिस्टर लोग तो छोड़ दीजिए, आप ही लोग ध्यान दीजिए। ये बोल रहे हैं कि देखिए, अगर आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है, पैसे की कमी है, तो आप लोग कोई ना कोई काम करना शुरू कर दीजिए पार्ट टाइम, क्योंकि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो या ना हो 4 साल में, क्योंकि 4 साल का ग्रेजुएशन है मैंने, तो पक्का आपका 4.5 साल लग जाएगा कंप्लीट होते होते, 4.5 साल चाहे 5 साल। और आप अभी जितना आदमी पढ़ रहा है, बहुत बच्चे छोड़ देंगे बीच में ही। ठीक है, इसलिए काम कोई ना कोई शुरू कर दीजिए, और सरकारी नौकरी के भरोसे मत रहिएगा, नहीं तो आपका उम्र बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, हाँ, काम के साथ तैयारी करते रहिए, लेकिन हमेशा कमाने पे फोकस कीजिए। ठीक है, पैसा आना चाहिए बॉस, जैसे भी हो, क्योंकि जब आप 21-22 साल के हो जाएंगे ना, तब आपको रियलाइज होगी बेटा रे काम नहीं है। ठीक है, और काम जब नहीं रहेगा ना आदमी के पास, पैसा नहीं रहेगा ना, तो दिमाग तेल लेने जाइए। आप कितना भी पढ़े हो, PhD करके बैठे हो ना, कोई वैल्यू नहीं है जब तक पैसा नहीं कमाइएगा। तो अभी से ही कोई ना कोई काम खोज लीजिए, चाहे कोई भी काम हो। शुरू में मैं ना 2000 में काम करता था, पैथोलॉजी में 2000 में। ठीक है,
और ज्यादा दिन की बात नहीं है, मैंने काम ज्वाइन किया था 2019 में, जब मैं अपना इंटर कंप्लीट करके ग्रेजुएशन में नाम लिखाया था 2019 में, ठीक है। 22 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, 24 में मेरा एमए कंप्लीट हुआ इसी साल, ठीक है। तो अभी तो यूट्यूब से अच्छा खासा आ जाता है अर्निंग, और वैसे भी मैं प्राइवेट काम उसी टाइम से ज्वाइन किया था पैथोलॉजी में, ठीक है, ब्लड टेस्ट एक्सरे वगैरह करता था, 2000 में शुरू किया था, उसके बाद पैसा पेमेंट ज़्यादा हो गया, चलिए। और जब आपका ज़्यादा हो जाए तब आप तैयारी कर सकते हैं, हाँ, लेकिन पहले आप बेस बना लीजिए अगर आप लड़के हैं तो, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा। बाकी आपकी मर्जी, आपका पैर आपकी कुल्हाड़ी, जहाँ मारना है मार लीजिए, मैं भविष्य दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, दिखा नहीं सकता हूँ, करना आप ही को है, ठीक है। थैंक यू, बाय।